गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल आई एम सोमन। एक्चुअली मॉर्निंग में यही 12:30 हो गई और मेरी आवाज़ आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा कि आई एम नॉट कीपिंग वेल। सो आई एम सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल, इतने दिनों बाद मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत सोचा था कि इस बार जब मैं अपने होम टाउन जाऊँगी तो आई विल कवर दुर्गा पूजा, दिवाली एंड छठ पूजा। ये 3 मेन फेस्टिवल होते हैं वहाँ पर सिलीगुड़ी में। जो लोग वहाँ रहते हैं वो मुझसे अग्री करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई हैड सम फैमिली इश्यूज। मेरे डैड की एक सर्जरी हुई, अभी मेरी मॉम की सर्जरी पेंडिंग है, लेकिन फाइनली मैं फिर दिल्ली वापस आ गई हूँ और मेरे साथ आई है मेरी एक फ्रेंड जो अपने आई सर्जरी के लिए यहाँ पर आई थी। तो इस दौरान मुझे बहुत सारे हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़े, पहले डैड के लिए, फिर मॉम के लिए, फिर मेरी फ्रेंड के लिए, और उसके बाद मैं हो गई हूँ बीमार। तो जैसे कि मैंने कहा, मेरी आवाज़ से आप लोगों को पता चल रहा है दिल्ली में बहुत वायरल हो रखा है, अभी बहुत फ्लू है और इसी कारण मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई। मेरी फ्रेंड की भी वैसे तबीयत ख़राब हो गई थी बट उसने रिकवर कर लिया और अब मुझे थोड़ा ज़्यादा ही ज़्यादा ही असर हो गया इस फ्लू का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी अपने दोस्त से, पहली बार वो आएगी मेरे ब्लॉग में। वैसे हमने बहुत पहले भी व्लॉग्स बनाए थे लेकिन वो व्लॉग कभी भी आ नहीं पाए यूट्यूब में, बट अगेन शायद दिल्ली में आके उसका ये लिखा था कि मेरे व्लॉग में आएगी, तो वो मेरे साथ है अभी वहाँ पे, शी इज गेटिंग रेडी। और आज हम जाएंगे CP जनपद मार्केट, शी वॉन्ट्स टू बाय समथिंग, क्योंकि वहाँ पर ऑब्वियसली आप लोगों को पता है कि दिल्ली में सबसे अच्छा सरोजनी, जनपद, ये सब में सस्ता शॉपिंग कर सकते हैं हम लोग। तो इसलिए मैं उसको लेके जाऊंगी। ये हमारा एक्सटेंडेड वीकेंड था तो घर में बैठ के ऐसे भी बोर हो रहे थे हम लोग, तो हमने सोचा फटाफट हम लोग तैयार होके निकलते हैं। कितना सोएंगे, बुखार हो रहा है तो क्या हो गया, चलो फिर चलते। तो दो मिनट लगे उसे तैयार होने में, तो फटाफट तैयार होके मैं उसे अपने ब्लॉग में लेके आती हूँ। गाइस तब तक स्टे ट्यून, और जो लोग पहली बार मेरा ब्लॉग देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर, कमेंट, लाइक जितना हो सके कीजिए और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। सो मेरी फ्रेंड तैयार हो गई है और मेरे साथ है अंतरा। से हाय। हाय। सो वी आई एम इंट्रोड्यूसिंग अंतरा टू माय चैनल, और आज हम इसको लाजपत नगर लेके जाएंगे मेट्रो से। तो एक पर्पज़ ये भी है कि फर्स्ट टाइम ये दिल्ली मेट्रो में बैठेगी और मैं भी बहुत सालों बाद दिल्ली मेट्रो एंजॉय करूंगी। सो आर यू एक्साइटेड फॉर लाजपत नगर? नो सॉरी, वी आर गोइंग टू जनपद, सॉरी। सो वी आर गोइंग टू जनपद और वो भी हम जाएंगे हुडा सिटी सेंटर से सीधा CP और थोड़ा ढूंढेंगे क्योंकि मेरे को भी उतना आइडिया नहीं है CP का। तो हम लोग अब निकल रहे हैं, हमने कैब बुक करी है हुडा सिटी सेंटर तक और शी इज जस्ट चेकिंग कहाँ पर है कैब, और फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि हुडा से अगर आप कहीं से भी जाओगे तो जनपद के लिए CP ही जाना पड़ेगा आप लोगों को, और CP के बाद वहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर करके आई चेक कि जनपद मार्केट का रूट क्या है। सो लेट मी जस्ट गो एंड चेक, एंड तब तक आप लोग स्टे ट्यून। बाय द वे शी जस्ट हैड आई सर्जरी, एक हफ्ते पहले इसकी आई सर्जरी हुई है। शी हैड -7 पावर और सम व्हाट लैसिक समथिंग, व्हाट कंटोरा लेसिक ऑपरेशन हुआ। माय गॉड, उसको देख के तो मेरी हालत खराब हो गई, द वे दे वर पुटिंग ऑल दिस थिंग, बट नाउ शी कैन सी। देख ये कितने पांच। ओके गाइस, सो से ट्यून, हम लोग अब निकले, हमारी कैब आ चुकी है और हम लोग सीधा मिलते हैं आप लोग को मेट्रो स्टेशन में। बाय। दरा व्हाट इज दिस? आज झोला भर के शॉपिंग होगा। ये झोला छोटा है, और बड़ा झोला लेके चलो। आई थिंक वी शुड गेट 2 मोर। आज लड़की खतरनाक शॉपिंग होने वाला है, खतरनाक। कमिंग आफ्टर एजेस, तो हम लोग थोड़ा भूल गए, कंफ्यूज हो गई मैं। अभी एक मेट्रो गया, मुझे लगा कनॉट प्लेस का नाम क्यों नहीं लिखा मेट्रो में।
तो अभी हम वेटिंग फॉर अनदर मेट्रो. मैं चाहती हूँ ये आगे वाले डिब्बे में ट्रैवल करे. सो दिल्ली मेट्रो का सीन ये होता है कि पहला डब्बा जो होता है वो लड़कियों के लिए रिजर्व होता है और बाकी सब मिक्स होते हैं. तो फिर हम चाहते हैं कि पहले वाले डिब्बे में इसको बिठाए क्योंकि वो थोड़ा खाली होता है. मेट्रो स्टेशन से हम लोग गेट नंबर 4 से उतरे और वॉकिंग डिस्टेंस दिखा रहा है और 8 मिनट्स. लेकिन तब तक हम लोग को बहुत तेज भूख लगी है. सो वी आर गोइंग टू ईट समथिंग पहले और फिर जाएंगे जनपद मार्केट. आई डोंट नो कितना देर चलना है. इसे मैंने बोला कि मेरे को भी इतना आइडिया नहीं है सीपी से कौन से गेट से निकलना था. मैंने गूगल किया तो गूगल में दिखाया गेट नंबर 4 से निकलना. तो अभी दिखा रहे हैं यहाँ से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस है. हम लोग 4 मिनट कवर कर चुके थे. अभी 5 मिनट और है लेकिन भूख लग गई तो मैंने खाना खा लिया. जद्दोजहद के बाद वी हैव रीच जनपद मार्केट. अब होगी बार गेमिंग यहाँ पे तगड़ी वाली. पैंट कितना इसका 250. तो ये बैग ये बोल रहे हैं 250 रुपए का. अब देखते हैं अंतरा कितने में लेगी. भैया फंस गए. भैया कम कर दो, 200 में दे दो ना, 100 तो कम कर दो एटलीस्ट. ये कितना भैया? 200 रुपए. ये ब्लैक का है. साइज कितना है ब्लैक का? स्वेटर्स आर 500 के दो. शो मी अंतरा. 500 का दो स्वेटर्स. 500 के दो स्वेटर्स. दिस फॉर मेन, दिस फॉर जेंट्स. मेन मेन मेन. ओके मैडम, सिंगल सिंगल फॉर मेन. कलर और भी होंगे देख. पचास रुपए दिखाइए अंतर. 50 रुपए का कान का. दो लिया, दो पीस है.
कितना है इसका? दाम बोलो ना, फिर देखेंगे हम। गाइज वी आर बैक फ्रॉम जनपद मार्केट और हम लोग ज़्यादा व्लॉग नहीं बना पाए क्योंकि आपको पता ही वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी। हमें लगा हम वीकडे में गए तो ज़्यादा भीड़ नहीं होगी, बट हम गलत थे। इतनी भीड़ थी कि लोग ऐसे धक्का कर रहे थे, व्लॉग बनाना ज़्यादा पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। फिर भी मैंने जितना हो सके फुटेज निकाला और आप लोग को शो किया है वहाँ पर। और उसके अलावा तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई वहाँ जाके ना, ऐसे मेरा गला बैठ गया और मुझे खांसी होने लगी। मैं ज़्यादा बात भी नहीं कर पा रही थी, बार्गेन भी नहीं हो पा रही थी मेरे से। उसके अलावा कि बहुत दिनों बाद मेट्रो में बैठने पर ना, आई डोंट नो, सडनली माई हेड वॉज स्पिनिंग, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा मेरा सर घूमने लगा। तो मेरी फ्रेंड के साथ भी वैसे हुआ, वो तो वैसे भी मतलब फर्स्ट टाइम बैठी थी, बट मुझे पता नहीं, आई मीन फर्स्ट टाइम मेरे साथ लाइफ में ऐसा हुआ है कि मेट्रो पर बैठने पर मेरा सर घूम रहा था। बट एनी वे, जितना भी हो सके अभी हम लोग जो लाए हैं, आई विल शो यू वन बाई वन क्या क्या खरीदा और कितने कितने प्राइस में ख़रीदा है। अब पहले मैं गर्म पानी पी लेती हूँ अपने गले के लिए, और मेरी फ्रेंड ने अदरक वाली चाय बनाई है तो मैं उसको पी के थोड़ा सा मेडिसिन लेती हूँ, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या ख़रीदा है, कितने कितने प्राइस पे ख़रीदा। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमने ज़्यादा बार्गेन नहीं किया आज, ना मेरी तबीयत ख़राब थी और ना मेरी फ्रेंड को बार्गेन करना उतना आता है, लेकिन फिर भी हम रीज़नेबल थोड़ा बहुत खरीद के लाए हैं। सो गाइस स्टे ट्यून्ड, अभी मैं दिखाती हूँ आपको हमने क्या ख़रीदा। थैंक यू आद्रा फॉर द टी। और अभी हम लोग चाय पी के आप लोगों को दिखाएंगे कि हमने क्या क्या खरीदा है। सारी शॉपिंग इसने करी है, मैंने तो सिर्फ एक झुमका लिया इस तरह, फिर भी हम आपको दिखाते हैं क्या क्या खरीदा। सो आद्रा इज रेडी अपने पूरे सामान के साथ दिखाने के लिए, शी इज वेरी एक्साइटेड कि क्या क्या खरीदा है। सो वन बाई वन हम लोग इसको खोलेंगे और आप लोग को प्राइस के साथ बताएंगे कि कितना कितने में लिया है। The first item is this. ये है आपका ड्रीम कैचर। I love ड्रीम कैचर्स। तो ये भैया कोट कर रहे थे हम लोग को 650। So वो बोले थे 650 में आपको ये मिलेगा, आप मॉल जाइए आपको बहुत महंगा मिलता है, मैं सस्ते में बेच रहा हूँ। लेकिन फिर हमारे अंतरा ने तगड़ी बार्गेनिंग करी और इसको लिया मात्र 300 रुपए में। 300 रुपए, 300। को साइड रखे। नेक्स्ट यू कैन, हाँ दिस वन, इसकी बारी है नेक्स्ट। तो और उसके बाद हमारे पास ये तीन आइटम हमने लिए हैं। ये वुलन स्कर्ट है जो सर्दियों में, हाँ तो ये ब्लैक वाला मेरा है अगर मुझे आ जाए तो। तो ये ऐसा है वी टाइप में, ये जो शो दिस ऐसे वाला थोड़ा सा फ्लेयर्स में। ये एक है ब्लैक, उसके बाद वी गॉट द ब्राउन वन आई गेस, हाँ समवट सिमिलर इन ब्राउन। अब जो मुझे आएगा वही मैं पहनूंगी, ब्राउन। एंड देन अंतरा ने एक लिया है स्ट्रेट वाला जो ऐसा है कुछ। तो ये तीनों हमको कोट किया था 1700 रुपीस में, बोला था तीनों 1700 बोला था, लेकिन बाद में हमने पहले उनको बोला 1000 में दीजिए तीन, लेकिन वो माने नहीं। फिलहाल में 1200 रुपये में हम लोग को तीन मिला है, फिर भी मुझे लग रहा है ये महंगा है। आई थिंक 400 पर स्कर्ट पड़ा है, लेकिन फिर भी आई फील दैट इट्स एक्सपेंसिव। ये हमको वो 200 में भी दे देता तो फिर स्किल दे देता वो अंतरा। दिस इज दिल्ली, दिस इज नॉट योर सिलीगुड़ी। तो अब उसके बाद मेन पिटारा ये रहा जो खुल रहा है वन बाय वन, यू कैन ओपन इट। ओके सो अब पहले है इसके जीन्स की बारी जो इसने पहले ही नज़र में पसंद कर लिया था। सो इट्स अ बेल बॉटम जीन्स और अच्छा लग रहा है ये, ये थोड़ा लंबा है, आई थिंक इसको काटना पड़ेगा। तो इसका प्राइस 750 भैया ने बोला था,
लेकिन लास्ट में हम लोग जब उनको 300 बोल के जा रहे थे तो उन्होंने बोला ठीक है आप 400 में ले लो, तो फिर हमने बोला ठीक है 400 भी कोई बुरा चीज़ नहीं है, तो हमने उनको 400 में दे दिया ये। के बाद अंतरा के स्वेटर का पिटारा निकल रहा है ये। सो ये दो स्वेटर हमने लिए एक ही शॉप से। सो दिस वन इसका फेवरेट कलर है येलो, ये रहा, और दूसरा वाला इज ग्रीन। मुझे एक्चुअली में वो वाला ज़्यादा अच्छा लगा बिकॉज थोड़ा सा यूनिक है कलर एंड नॉट सो ब्राइट बट इट्स अ वेरी गुड कलर। इसका आगे जो इसका जो पैटर्न है इसके आगे बटन नहीं है, इसमें जो है यू विल गेट अ रस्सी। नो नो इट्स अ रैप। हाँ इट्स अ रैप रस्सी, तो इसमें आप बांध सकते बट इसमें बटन नहीं है। सो स्टाइलिंग के लिए बहुत अच्छा है ये। कलर मुझे बहुत प्यारा लगा इसका, दिस कलर इज नाइस। ये देखो ऐसे है। तो ये दोनों स्वेटर अंतरा को भैया ने दिए है 500 रुपए में और अंतरा ने कोई बार्गेन नहीं करी है। दिस इज 200। ओह सॉरी सॉरी, दिस इज 200 एंड 200 ईच, सो 400। तो अंतरा ने कोई बार्गेनिंग नहीं करी है इस पे, तो अंतरा को ये दो 400 रुपीज में मिले विच इज फाइन, मुझे भी लगता है विच इज फाइन। उसके बाद हमें ये बैग्स मिले जो घुसते ही अंतरा को पसंद है। ये एक है, दूसरा वाला थोड़ा सामने से दिखा, दिस वन एंड तीसरा वाला है आई लाइक द मोस्ट इज दिस वाइट वन, ये वाइट वन। तो ये 250 ईच है, तो ये बिल्कुल भी वो भैया मान नहीं रहे थे। हमने बोला था 500 में दे दो तीन, वो मान नहीं रहे थे, तो लेकिन हमने लास्ट में उनको 700 पकड़ा दिया और बोला 50 रुपये तो एटलीस्ट हमें यू नो लाइक डिस्काउंट दे दो। बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे वो, 1 रुपये नहीं कम बोले थे आप मत लेना तो जाओ। फिर हमने बोला ठीक है अच्छी चीज़ें हैं बट ठीक है, हम लोग को ये 700 में 3 बैग्स मिले हैं। और क्या है नेक्स्ट, ये लास्ट है स्वेटर जो हाँ दिस हाँ ये मेंस जो मैं उस समय ब्लॉग में भी दिखा रही थी। तो ये इसने दो लिए हैं, एक ये है और ये एक ये वाला है। सो इट वॉज 500 फॉर टू स्वेटर्स, इट वॉज 500 फॉर टू, लेकिन इसका मटेरियल जो है ना दिस इज वेरी नाइस सॉफ्ट, इट्स रियली नाइस। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बेकार प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा है। ये देखो, तो ये सारी शॉपिंग करी है, उसके बाद हमने ले ली है इयररिंग्स। तो मैं आपको इधर दिखाती हूँ इयररिंग्स। ये सारी इयररिंग्स जो है ये अंतरा ने ली है एक्सेप्ट वन, ये मेरी है और ये हमें नहीं नहीं ये मेरी है। हाँ तो ये गिफ्टिंग पर्पज़ के लिए अंतरा ने लिया है और ये सारे हैं 50 रुपीज़ ईच विद नो बार्गेनिंग। कोई बार्गेनिंग नहीं करी इसने। तो अंतर आपने वाले इयररिंग्स पहन के दिखाओ जरा कैसे हैं। अंतरा ने अपने झुमके पहन लिए हैं एंड एक्चुअली इट इज लुकिंग ब्यूटीफुल। ये बहुत ही लाइट है, ऐसा लग रहा कुछ है ही नहीं वेट, दिखने में बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन बहुत लाइट है। सो अच्छा लगा बहुत, लुकिंग गुड।